हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ इंटर्न स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप कंपनीज़ के बारे में जो कि अभी रिसेंटली इंटर्नशिप ऑफर कर रही है। जैसा कि हम एवरी मंडे को इंटर्नशिप वाली वीडियो लेके आते हैं, तो आज भी मैं इंटर्नशिप की वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ। और आज हम देखेंगे टॉप कंपनीज़ के बारे में जो कि अभी इंटर्नशिप ऑफर कर रही है। और मैं आपको सारे जो भी कंपनीज़ हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से जाके बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जो हमारी सबसे फर्स्ट इंटर्नशिप है वो है मैकेफी कंपनी की तरफ से। तो इस कंपनी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आप क्या है, मे बी आप इसके जो हमारे एंटीवायरसेस आते हैं वो भी आप यहाँ पे इसके यूज़ करते हो। तो इसमें अगर हम इसकी जॉब लोकेशन की बात करें तो ये रिमोट वर्क है, इंडिया से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारी 18 डेट को इसमें ये मतलब इंटर्नशिप की इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है। तो यहाँ पे अगर हम रोल की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दिया है लुकिंग फॉर अ स्मार्ट कैंडिडेट हु इज़ पैशनेट अबाउट इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल सिक्योरिटी। क्योंकि जैसा कि ये हमारे जो मैकेफी के हमारे एंटीवायरसेस आते हैं, तो ये सिक्योरिटी के लिए मतलब जो इंटर्न है वो यहाँ पर हायर करने वाले हैं ये। फिर यहाँ पे इन्होंने जो कुछ स्किल्स यहाँ पे दी हैं, स्ट्रॉन्ग इन C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। आपके क्या है, C++ और डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से आने चाहिए। और जो हमारे RDBMS कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके गुड नॉलेज होनी चाहिए। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने ये कुछ हमारे जो स्किल्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे दिया है जो हमारी इनकी जो कंपनी है उसके ओवरव्यू, मैकेफी इज़ अ लीडर ऑफ इन पर्सनल सिक्योरिटी फॉर कंज्यूमर्स। क्योंकि जो हमारे एंटीवायरसेस वगैरह आते हैं तो ये लोगों को यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने दिया भी वर्क हार्ड टू इम्प्रेस। तो ये इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में कुछ मेंशन कर रखा है। तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप यहाँ से क्या है अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जितना जल्द से जल्द हो सके आप क्या है इसमें अप्लाई कर दें। क्योंकि इसमें यहाँ पे इन्होंने कोई भी डेडलाइन डेट नहीं दी है, ऐसा कि मैं देख रहा हूँ इसमें इन्होंने कोई भी डेडलाइन नहीं दी है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्द से जल्द क्या है इसमें अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे अपने जो भी आपकी डिटेल्स होंगी या इनके यहाँ पे आपको एक इनकी वेबसाइट पे जाके एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ से आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद में फिर आपको फॉर्म्स वगैरह मिलेंगे और जो भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप यहाँ पर फिल करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं अपनी जो सेकेंड इंटर्नशिप है हमारी, वो है हमारी गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर जो इंटर्नशिप है ये सॉफ्टवेयर स्टूडेंट ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम की, मतलब ये स्टेप इसको एब्रिविएशन में इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे इसकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली, मतलब जो भी इंटर्नशिप जहाँ इसकी लोकेशन है वो क्या है, बेंगलोर, कर्नाटक, इंडिया और हैदराबाद, यहाँ पे इनकी क्या है इसकी लोकेशन रहने वाली है। फिर उन्होंने यहाँ पे दिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में करंट इन सेकेंड ईयर ऑफ स्टडी, जो भी स्टूडेंट यहाँ अप्लाई करने वाला है वो क्या है सेकेंड ईयर में हो और इनरोल्ड इन बैचलर प्रोग्राम्स मेजरिंग और इंटेंडिंग टू मेजर इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड टेक्निकल फील्ड। मतलब यहाँ पे इसमें जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने वाला है वो एक तो क्या हमारा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, फिर उसके बाद में वो बैचलर्स प्रोग्राम में इनरोल्ड, मतलब आप क्या है कॉलेज में इनरोल्ड हो और आपकी जो फील्ड है वो आप क्या है कंप्यूटर साइंस है, उससे रिलेटेड टेक्निकल फील्ड में आपकी ब्रांच होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन वन और मोर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं हमारी आपको उनमें क्या है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस दी हैं, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं, करंटली इनरोल्ड इन अ फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम एंड रिटर्निंग टू द प्रोग्राम आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है मतलब किसी प्रोग्राम में आप फुल टाइम के लिए क्या इनरोल्ड हों और अगर आप वो कंप्लीट करके आ गए हों तो आपके लिए क्या है यहाँ पे
प्लस पॉइंट मिलने वाला है। फिर एक्सीलेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स है, जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन, अगर इनमें आपके जो भी स्किल्स हैं वो आपकी बहुत अच्छी हैं तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलने वाला है। फिर एबिलिटी टू कंप्लीट अ फुल टाइम 10 to 12 week इंटर्नशिप बिटवीन मे एंड अगस्त, एग्जैक्ट प्रोग्राम डेट विल बी प्रोवाइडेड एट द लेटर पॉइंट। मतलब इन्होंने ये कुछ अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे दिए हैं, तो इसकी आपको इस मतलब इस बीच आपको यहाँ पे जो अभी इंटर्नशिप इनकी चलती है वो यहाँ पे इन्होंने दी है, तो यहाँ पे आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी लोकेशन, हम लोकेशन क्या है यहाँ पे, बैंगलोर और हैदराबाद की यहाँ पे लोकेशन दी गई है। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो प्लीज़ कंप्लीट योर एप्लीकेशन बिफोर 10 December 2021, तो मतलब आपको 10 दिसंबर से पहले पहले आप इसमें जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसमें अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर दें और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा और वहाँ पे जाके आप यहाँ से आप अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं और अपना जो भी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो वहाँ पर यहाँ पर फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी जो थर्ड इंटर्नशिप है वो हमारे इंटेल की तरफ से, और इंटेल के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो इसमें हम अगर जॉब डिस्क्रिप्शन इसका देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने दिया है ग्रेजुएट इंटर्न। क्वालिफिकेशन इन जो यहाँ पे दी गई है वो क्या है, बीटेक एमटेक परस्यूइंग होना चाहिए स्टूडेंट, और यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने बिजनेस के बारे में दिया है। फिर लीगल डिस्क्लेमर, इंटेल प्रोवाइड डिस्क्लेमर, मतलब इन्होंने जो सारी चीज़ यहाँ पे दी हैं और यहाँ कुछ स्किल्स वगैरह इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं की हैं, मतलब क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी मांगी गई है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं की हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। फिर आप यहाँ से मतलब जो यहाँ पे मिनिमम एज इन्होंने मांगी है, आई सर्टिफाई दैट आई एम 16 years ऑफ एज और ओल्डर, मतलब मिनिमम यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया है मतलब मिनिमम 16 ईयर होना चाहिए, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ से आप फिल कर सकते हैं और अपना आपका रिज्यूम ही यहाँ पे बना हुआ होना चाहिए तो रिज्यूम ही यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फिर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन मंथ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल करके और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट इंटर्नशिप है वो है हमारी AICTC कंपनी की तरफ से, और ये हमारी एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप है। तो योर इंटर्नशिप में टर्न इनटू अ फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं तो आपको मौका मिलता है कि आप क्या है इसमें फुल टाइम भी आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। तो जो इंटर्नशिप है वो इंटर्नशिप फॉर प्रोग्रामिंग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो डेट दी गई है वो मतलब 12/22 को यहाँ पे ये इंटर्नशिप निकाली गई है और इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाली है। अभी इन्होंने स्टार्टिंग की डेट अभी मेंशन नहीं की है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 months की है। फिर यहाँ पे स्टिपेंड भी आपको मिल रहा है और अप्लाई आप क्या है 30 November से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर दें, मतलब कल से पहले आप जितना से जल्द हो सके आप इसमें अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने जो डेडलाइन है वो मेंशन कर रखी है। कुछ वेबसाइट्स में क्या होता है कि वहाँ पे क्या है डेडलाइन मेंशन नहीं करते हैं और कभी भी वो वेबसाइट क्या है बंद हो जाती है, तो इसीलिए जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसमें अप्लाई कर दें। फिर यहाँ पे जो इन्होंने कुछ पर्क्स दिए हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सीलेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स यहाँ पर ये होने चाहिए। फिर यहाँ पर इन्होंने हु कैन अप्लाई, जो भी इंटर्न है जो अप्लाई करने वाला है उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस दिए हैं, तो आर फ्रॉम बीटेक और बीई एंड स्पेशलाइजेशन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मतलब जो भी इंटर्न यहाँ पे अप्लाई करने वाला है वो या एक तो हमारा क्या है बीटेक का स्टूडेंट होना चाहिए और उनकी ब्रांच है जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, और आर अवेलेबल फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 months, हैव रिलेवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे इन्होंने दिया है जो भी स्किल्स हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपका एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया है और नंबर ऑफ ओपनिंग्स, यहाँ पे 30 posts जो है वो निकाली गई हैं, तो जितना जल्द से जल्द आपको क्या है अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी मैं इंटर्नशिप अभी मैंने बताई आपको ये सारी इंटर्नशिप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप
बहुत ही इजीली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्टूडेंट, फिर आपको अपना ईमेल और रजिस्टर कर सकते हैं आप पहले, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना है। और फिर उसके बाद में आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप फिल करके और इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट इंटर्नशिप है वो हमारी है जीई कंपनी की तरफ से जो, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें तो दिस इंटर्नशिप इज ओपन टू एनेबल स्टूडेंट टू वर्क ऑन एक्सप्लोरेटरी वर्क टू कंट्रीब्यूट टू डिजिटल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द, तो ये एक कंपनी है, इन्होंने ये इंटर्नशिप निकाली है। इसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो यहाँ पे रहने वाली हैं, वी आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम टू वर्क ऑन फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो भी फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं उनके साथ आप यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, वेब टेक्नोलॉजीज़, डेटा एनालिटिक्स और ईआरपी डेवलपमेंट एटसेट्रा। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, वर्क क्लोजली विद द डिज़ाइन कम्युनिटी टू आइडेंटिफाई बिजनेस नीड। आप क्या है यहाँ पे जो डिज़ाइन कम्युनिटी होती है आप उनके साथ भी यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, टू आइडेंटिफाई बिजनेस नीड, क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डेवलप फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्ट डेवलप। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं वर्क क्लोजली विद एन आइडेंटिफाइड मेंटर ऑन एन एलोकेटेड प्रोजेक्ट। आपको क्या है यहाँ पे एक मेंटर मिलने वाला है, आपको उनके साथ में क्या है यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, मेक प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट टेक्निकल डेटा जनरेटेड बाय द असाइंड प्रोजेक्ट कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज प्रोसीजर। फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ जो डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इन्होंने दी हैं वो हैं, टेक्निकल एंथुसियास्ट होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए मतलब प्रोग्रामिंग को लेकर, एप्टीट्यूड फॉर बोथ सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अप टू डेट विद करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर, मतलब आपको क्या है जो भी ट्रेंडिंग में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और जो भी करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टूल्स वगैरह हैं, इनके साथ क्या है आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए। तो तब आप इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं, लीडरशिप एक्सपीरियंस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द क्लास, मतलब अगर आप क्लास में या कॉलेज में आप क्या है लीडरशिप एक्सपीरियंस आपको मिलता है तब भी आपको क्या है आपको यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा इनिशिएटिव इंगेजमेंट इन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्लस। फिर कम्युनिकेटिव एंड ओपन माइंडेड, गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए अच्छे और ओपन माइंडेड होने चाहिए, मतलब आप क्या है बहुत ही इजीली किसी से आप बात कर पाएँ, अपने आइडियाज़ शेयर कर पाएँ। तो यहाँ पे इन्होंने ये कुछ अपनी स्किल्स दी हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ से अप्लाई करना है और फिर आपको एक फॉर्म मिलेगा और वहाँ से जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो क्या करना है आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं या फिर आप ये सारी चीज़ें फिल करके और जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो दिए हैं आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं एवरी मंडे को इंटर्नशिप रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।